आईटीबीपी ने तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी बॉर्डर पर महिला सिपाहियों को उतारने का फैसला लिया है। 15 फरवरी को 500 महिला सैनिकों ने पंचकुला के पासिंग आउट परेड के बाद शपथ ली। 500 महिला सैनिकों ने 15 जनवरी को पासिंग आउट परेड के बाद देश के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य की कसम खाई। 44 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग में इन्हें हर तरह के आधुनिक हथियार चलाने में समर्थ बनाया। इनमें कई ऐसे भी हैं जो शार्प शूटर हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो युद्ध की अलग अलग तरकीब में माहिर हैं। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किशन चौधरी ने बताया कि पहले भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, पर इस बार इसलिए खास है कि इनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर पर हो रही है, जो कि एक बड़ा कदम है। जहां सांस नहीं पहुंचती, वहां भारत की बहादुर लड़कियां चीनी ड्रैगन के सामने बराबर की टक्कर देने को मुस्तैद होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीएसएफ ने महिलाओं को भारत पाक सीमा पर तैनात किया है, पर यह पहली बार है कि ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर भारत की रक्षा में आईटीबीपी महिला सैनिकों को तैनात करने जा रहा है।